नोएडा में डॉक्टर की मरीज को अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देना इतना भारी पड़ा कि नाराज मरीज के दबंग साथियों ने अस्पताल में घुसकर डॉक्टर को बेरहमी से पीटा। ये तस्वीरें हैं इंटरसिटी अस्पताल की, जहां एक 60 वर्षीय डॉक्टर अली अकबर खान को एक मरीज को अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देना इतना भारी पड़ा कि नाराज मरीज को 7-8 साथियों ने अस्पताल में ही घुसकर भीड़ के सामने बेरहमी से डॉक्टर को ही पीट डाला। दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो डॉक्टर को वार्ड से पकड़कर सीधा अस्पताल के बाहर तक घसीटते हुए लाए और वहां जमकर डॉक्टर को पीटा। इस बीच अस्पताल के अन्य डॉक्टरों और नर्सों ने बीच बचाव कर डॉक्टर को दबंगों के चुंगल से छुड़ाया। इसके बाद अंदरूनी चोट आने के कारण डॉक्टर अकबर को कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि राजनीतिक दबाव के चलते आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और डॉक्टर अकबर को भी पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई है। गजेंद्र नाम का लड़का अपनी मम्मी को लेकर आया ओपीडी में। ओपीडी में पेशेंट चेक कर रहा था। 4-5 दिन पहले मैं किसी और डॉक्टर से इलाज ले रहा था और अब जो है आप देखिए पेट दर्द नहीं जा रहा। तो उस समय मैंने उसको चेक किया, चेक करने के बाद अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया तो उसने जो है मना किया और बदतमीजी करने लगा कि बिना अल्ट्रासाउंड के क्या इलाज नहीं होता है। तो उसी के चलते उसने जो है मेरे साथ बदतमीजी की और फिर फ़ोन करके 5-7 लड़कों को बुलाया और मारपीट सारा कुछ उसने किया। नोएडा में बिल्डर की मनमानी का एक और मामला सामने आया है। बिल्डर से परेशान सैकड़ों किसानों ने बिल्डर के दफ्तर का घेराव कर अपने आशियाने की मांग की। अर्थ बिल्डर के सेक्टर 16 के दफ्तर में प्रदर्शन करते हुए ये भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं। बिल्डर ने इनसे धोखाधड़ी की है। इन लोगों ने 2012 में फ्लैट बुक कराए थे जिसका पोजीशन 2014 में मिलना था, लेकिन हालात ये हैं कि प्रोजेक्ट साइट में कुछ भी निर्माण नहीं हुआ है। लोगों की माने तो जब भी बिल्डर से बात करने की कोशिश की जाती है तो बिल्डर दफ्तर से ही गायब हो जाता है। बिल्डर ना तो इनको पैसे वापस कर रहा है और ना ही प्रोजेक्ट के निर्माण की कोई तारीख बता रहा है। ये अर्थ वाले जो साइड है नोएडा एक्सचेंज में, इसमें फ्लैट बुक कराया था स्टूडियो अपार्टमेंट अग्नि टावर के नाम से। तो इन्होंने मेरे से ये कमिटमेंट किया था कि 40% जो है जमा कर दो, उसके बाद 2014 जून में आपके आपको फ्लैट जो है हैंड ओवर कर दिया जाएगा। मिलना 2014 था जून में, लेकिन 2016 चल रही है ना, तो फ्लैट मिला और जिस जगह पे वो फ्लैट बनना था वहाँ पे अभी तक एक ईंट भी लगी, यहाँ तक नींव भी नहीं खुदी है वहाँ पे। मैंने बिल्डर से बात की, बिल्डर से बात करने की कोशिश करता हूँ तो इनके जो GM वगैरह हैं वो यहाँ से बात करके और घुमा फिरा के उल्टी सीधी बात करके यहाँ से वापस भेज देते। DB लाइव के लिए नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट। बिल्डर्स की मनमानी से नोएडा के लोग त्रस्त हैं और इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। देखते रहिए DB लाइव।